बैंक बनाकर गोवंश की तस्करी का अपराध कारित करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गोला थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने दी जानकारी। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर के संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने किया शिरकत। 6,47,00,000 रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने 13 जनवरी को लखनऊ में आयोजित संकल्प दिवस पर कहा कि 13 जनवरी मछुआ समुदाय के लिए है अहम दिन। पूरे प्रदेश के निषाद समाज के लोग आएंगे लखनऊ, ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अयोध्या में निषाद राज के नाम पर बन रहे आश्रम स्थल पर कहा कि रावण राज को खत्म करने के लिए भगवान राम ने निषाद राज की सेना को लेकर रावण राज को किया था खत्म। पीएम मोदी ने निषाद के घर जाकर दिया है सम्मान, यह बहुत है गौरव की बात। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राम मंदिर पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग पहले अपने धर्म को करें स्थापित। राम मंदिर है आस्था का केंद्र, ये लोग धर्मी नहीं बल्कि हैं अधर्मी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सूरजकुंड धाम पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर जनपद की 1,615,00,000 की 29 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। योजनाओं के लाभार्थियों से की बात, कहा भाजपा सरकार में लोगों को मिल रहा योजनाओं का लाभ।